नमस्कार, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। मैं गौरव। सीधी जिले के थाना मिलिय पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक सफेद रंग की बुलेरो वाहन में अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब की खेप को पकड़ा है। यह अवैध शराब की खेप तस्करों द्वारा सिहावल से सिंगरौली की ओर ले जाने की सूचना पर अमिलिया पुलिस द्वारा ग्राम गेरुआ में घेराबंदी कर उक्त वाहन को 34 पेटी शराब सहित पकड़ा गया है। कार्यवाही को लेकर अमिलिया थाना प्रभारी दीपक बघेल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिहावल से सिंगरौली की ओर अवैध शराब की खेप बुलेरो वाहन से ले जाई जा रही है। जिसके बाद एसपी आरएस बेलवंशी और एसएसपी सुनीता पेटले के निर्देश पर सफेद रंग की बुलेरो वाहन क्रमांक MP53TA0464 को ग्राम गेरुआ में घेराबंदी कर वाहन को पकड़ा गया। वाहन की तलाशी के दौरान 34 पेटी अवैध शराब मिली है। साथ ही शराब तस्कर राजकुमार सिंह गुर्जर उम्र 30 साल निवासी खमराडीह थाना गढ़वा, कन्हैया लाल यादव निवासी कमरुआ थाना गढ़वा और रविंद्र कुमार जायसवाल निवासी खमराडीह थाना गढ़वा जिला सिंगरौली को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी गई है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ धारा 34/2 आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस पूरी कार्यवाही के दौरान थाना प्रभारी अमिलिया दीपक बघेल, एएसआई समयलाल वर्मा, आरक्षक पुष्पेंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह बागरी, विवेक द्विवेदी, सुरेंद्र सिंह, अखिलेश तिवारी, सतीश कुशवाहा शामिल रहे।